जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम दैनिक राशिफल की चर्चा करेंगे। दैनिक राशिफल में कुंभ राशि के राशिफल की चर्चा करेंगे और अंत में उपाय की बात भी करेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें सुनें, तभी आप कुंभ राशि वालों के 26 सितंबर 2021 के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, यानी मून साइन पर। जिन लोगों को अपनी राशि नहीं पता है, वो लोग अपनी जन्म कुंडली में ये देख लें कि चंद्रमा उनकी किस राशि में है। जिस राशि में चंद्रमा है वही उनकी राशि है। जिनके पास जन्म कुंडली नहीं है वो अपने नाम के पहले अक्षर से अपनी नाम राशि जान सकते हैं और ये राशिफल अपनी नाम राशि से देख व सुन सकते हैं। और कौन कौन से अक्षर कुंभ राशि में आते हैं वो आप वीडियो में देख सकते हैं और अपनी राशि जान सकते हैं। तो चलिए मित्रों, पहले आज का सुविचार जान लेते हैं। एक पल एक दिन को बदल सकता है, एक दिन एक जीवन को बदल सकता है और एक जीवन इस दुनिया को बदल सकता है। क्रोध को प्यार से, बुराई को अच्छाई से, स्वार्थी को उदारता से और झूठे व्यक्ति को सच्चाई से जीता जा सकता है। जिस व्यक्ति का मन शांत होता है, जो व्यक्ति बोलते और अपना काम करते समय शांत रहता है, वो व्यक्ति वही व्यक्ति होता है जिसने सच को हासिल कर लिया है और जो दुख तकलीफों से मुक्त हो चुका है। जो व्यक्ति अपना जीवन को समझदारी से जीता है, उसे मृत्यु का भी भय नहीं रहता। अज्ञानी पुरुष एक बैल के समान है, वो ज्ञान में नहीं आकार में बढ़ता है। क्रोध को पाले रखना गर्म कोयले को किसी और पर फेंकने की नीयत से पकड़े रहने के समान है, इसमें आप ही जलते हैं। ईर्ष्या और नफरत की आग में जलते हुए इस संसार में खुशी और हंसी स्थायी नहीं हो सकती। अगर आप अंधेरे में डूबे हुए हैं तो आप रोशनी की तलाश क्यों नहीं करते। चलिए 26 सितंबर 2021 का पंचांग जान लेते हैं। 26 सितंबर 2021 विक्रम संवत 2078 दिन रविवार रहेगा। आश्विन मास कृष्ण पक्ष पंचमी तिथि 1:05 तक रहेगी। नक्षत्र कृतिका रहेगा। 2:33 तक फिर रोहिणी नक्षत्र रहेगा। राहु काल 4:46 से 6:15 तक सायंकाल में रहेगा। अभिजीत मुहूर्त 11:54 से 12:41 तक रहेगा। राहु काल में कोई भी शुभ कार्य करने से बचना चाहिए और अभिजीत मुहूर्त में कोई भी शुभ कार्य आप कर सकते हैं, कोई भी नया कार्य आप कर सकते हैं। सूर्य कन्या राशि में रहेंगे और चंद्रमा वृषभ राशि में रहेंगे। चंद्रमा वृषभ राशि में रहेंगे तो कुंभ राशि वालों के लिए चौथा भाव रहेगा। चौथे भाव में राहु का गोचर भी है और आज 26 सितंबर को चंद्रमा का गोचर भी चौथे भाव में वृषभ राशि में होगा। तो आपको अपने परिवार के सदस्यों से वाद विवाद से बचना होगा, उनसे कोई तनाव नहीं लेना है और आपके मन में चंचलता, मन में आवेग देखा जा सकता है, मन परेशान रह सकता है। कार्य व्यापार में आपको आपके चंचलता और तनाव की वजह से हानि उठानी पड़ सकती है। आपको बाहर का खाना खाने से बचना चाहिए। भोजन में आपको ध्यान रखना है और आपको ज़्यादा सो सकते हैं या कम नींद आ सकती है, इस तरह का आज कुछ रहने वाला है। और स्वभाव में थोड़ा भावुकता अधिक होने से आप मानसिक बेचैन रह सकते हैं। माता के साथ वाद विवाद से बचना होगा आपको। धन के मामले में आपको ध्यान रखना पड़ेगा आज के दिन, और वैसे माता की तरफ से अधिक प्रेम और भावनाओं का अनुभव होगा और विद्यार्थियों का पढ़ाई में मन लगेगा। आप में आज चुस्ती फुर्ती देखी जा सकती है। आपका स्वास्थ्य आज पूरी तरह से आपका साथ देगा। व्यापार कारोबार में नए व्यापारी मिल सकते हैं, नए करार मिल सकते हैं जो आपके लिए आगे चलकर फायदेमंद होंगे और आपके मन मुताबिक लाभ दे पाएंगे। निवेश करते समय जल्दबाजी में निर्णय ना लें, आपको सोच समझ कर लें या विशेषज्ञों की राय लेकर लें। आपका जीवन साथी के संबंध आज आपके साथ अच्छे रहेंगे। आपका जीवन साथी आपके हर फील्ड में आज आपकी मदद करेगा। आपकी ऊर्जा का स्तर ऊंचा रहेगा क्योंकि आपका प्रेमी या प्रेमिका आपके लिए बहुत सारी बातें आज इस तरह की करेगा जिससे कि आप बहुत प्रसन्न होंगे। आज आपका शादीशुदा जीवन सामान्य रहेगा। आपको अपने जीवन साथी की ओर से
व्यापार कारोबार में भी सहयोग मिल सकता है। अगर आपका जीवन साथी व्यापार कारोबार में है तो उससे आज आपको लाभ मिल सकता है। किसी करीबी और पुराने मित्र से आप बहुत दिनों से मिलना चाहते हैं तो आज समय निकाल कर मिलें, आज आपको समय मिल सकता है। धार्मिक रहेंगे आज आप, धार्मिक भावनाओं के चलते आप किसी छोटी मोटी जगह आसपास तीर्थ स्थल भी जाने की सोच सकते हैं, किसी मंदिर वगैरह जाने की सोच सकते हैं। और जो भी नया कार्य आप व्यापार में शुरू करना चाहते हैं उसके लिए आज का दिन शुभ है, आप कर सकते हैं। और आप सक्रिय रहेंगे और आप अपनी उन्नति से भी खुश रहेंगे। आज के दिन आज आप कोई महत्वपूर्ण निर्णय भी ले सकते हैं और सामाजिक जीवन आज आपका अच्छा रहेगा। निजी जिम्मेदारियां आज आपकी बढ़ सकती हैं, इसलिए निजी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए तैयार रहना होगा। आप अपने शब्दों को सोच समझ कर बोलें। वैसे आज आप अपने शब्दों और काम दोनों में ही तारीफें हासिल करेंगे अपने कार्य क्षेत्र में। दिन की शुरुआत साधारण रहेगी लेकिन आप कई दिनों से नियम पूर्वक जो कार्य कर रहे हैं, जो अपने काम में मेहनत कर रहे हैं, उसका फल आज आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। आप किसी भी कार्य को अच्छी तरह से करने में बहुत गर्व महसूस करते हैं। ये आपके बॉस का ध्यान आपकी तरफ खींचेगा अगर आप नौकरी करते हैं। और कुछ अतिरिक्त जिम्मेदारी भी आपको अपने ऑफिस और आपके कार्य क्षेत्र में मिल सकती है, जो कि आपके करियर के लिए आगे चलकर प्रगति के लिए नए दरवाजे खोलेगी। और आपके धन के मामले में वृद्धि होने की संभावना है। आपको अपने करियर को आगे ले जाने के लिए समर्पण और ध्यान को बढ़ाने की ज़रूरत है। आपको अपनी नौकरी में भी अधिक चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार होने की आवश्यकता हो सकती है। आगे चलकर आपको नौकरी में अगर संघर्ष मिलता है तो आप उसको अच्छे से संभाल सकें। आज आप प्रेम के मामले में थोड़ा सा आक्रामक मूड में रहेंगे, इससे आपके प्रेमी या प्रेमिका, आपके पार्टनर काफ़ी आश्चर्य में रहेंगे, क्योंकि अभी तक आपको उन्होंने बहुत ही जेंटल और रोमांटिक मूड में ही देखा है, लेकिन आज आप थोड़ा आक्रामक रहेंगे। लेकिन इससे कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप अपने साथी के प्रति संवेदनशील हो सकते हैं। आपके साथी के साथ खुशी बनाए रखने के लिए थोड़ा सा अपने आक्रामक मूड को शांत रखें, धैर्य और संयम से काम लें। और अच्छी तरह से आपको धन के मामले में अच्छी तरह से धन को सुरक्षित करने की आवश्यकता है, यानी बजट बनाकर चलने की आवश्यकता है। खर्चों पर आप कंट्रोल अवश्य करें, नहीं तो आगे जाकर आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। आपको पेट से संबंधित समस्या हो सकती है। उपाय की बात करें तो शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के पास सरसों के तेल का दीपक जलाएं, आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। शनिवार के दिन गरीबों को काले चने की दाल का दान कर सकते हैं, फायदा मिलेगा आपको। पक्षियों को बुधवार के दिन अनाज डालें, इससे भी आपको शुभ फल प्राप्त होंगे। तो मित्रों, इसमें से जो भी उपाय आपको अच्छा लगे आप कर सकते हैं। आज मैंने आपको कुंभ राशि वालों के दैनिक राशिफल 26 सितंबर 2021 के राशिफल की चर्चा की। ये राशिफल सामान्य राशिफल है, ये सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति और आपकी वर्तमान दशा और अंतरदशा और फिर ग्रहों के गोचर की स्थिति, इन सभी पर बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।